बिट्टू बेटा क्या हो रहा है? हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ। आप चाचा जी हैं ना? तुम्हारे नहीं, तुम्हारी मम्मी के। मैं तो तुम्हारा नाना हूँ बेटा। नाना? या हाँ हाँ। अरे सकू कैसी हो? बढ़िया है। वो चुटकुले याद है तुम्हें? हमें सब याद रहता है, हम भूलते नहीं हैं। बताऊँ पिछली बार आप आम लाए थे? हाँ लाए तो था। खाए थे तुमने? थोड़े खाए थे, बाकी के तो हमने फ्रिज में रख दिए थे। फ्रिज में रख दिए थे क्यों? पापा के लिए, लेकिन पापा तो अभी आए नहीं। अब वो नहीं आएंगे बेटा, वो बहुत दूर चले गए हैं। बहुत दूर? क्या वहाँ हवाई जहाज भी नहीं जा सकता? नहीं बेटा, वहाँ कोई नहीं जा सकता। तो फिर पापा कहीं गए? अब वो वापस नहीं आएंगे बेटा। कौन है बिट्टू? अरे चाचा जी। जीती रहो बेटा। चाचा जी के साथ क्या बातें कर रहा था तू? शीला, आज भी उसकी कमीज पर बटन टांग रही हो? उसे गए हुए 2 साल हो गए बेटा। पीछे देख देख कर आगे नहीं चला जाता बेटी। 2 साल होने को आए, देखता हूँ बिट्टू आज भी अपने पापा की राह देख रहा है, और तू आज भी उसके कपड़े दुरुस्त कर रही है। ये कैसे चलेगा? इस यकीन का पत्थर तो कलेजे पर रखना ही पड़ेगा कि आलोक नहीं है। मैं तो कहता हूँ इंश्योरेंस का क्लेम निपट जाए तो तू मेरे साथ गांव चल, वहीं रहना। इतना बड़ा घर है किसके वास्ते? साई साई करता है। हेलो शीला। हेलो। ये आइसक्रीम बिट्टू के लिए। वो तो सो गया। हा? बहुत देर हो गई क्या? ये पुलिस की नौकरी में रात और दिन का पता ही नहीं चलता। अरे आप? चाचा जी आज ही आए हैं। अच्छा अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम दीपक है। मैं तो समझा था कि पुलिस आई है। आलोक मेरा दोस्त था, लेकिन वो कहता था कि मैं उसका दुश्मन हूँ, क्योंकि पुलिस वालों का कोई दोस्त नहीं होता। स्कूल से कॉलेज तक हम साथ साथ रहे। मैं इसे फ्रिज में रखकर आती हूँ, तुम कॉफी पियोगे? नहीं नहीं, हाँ अगर चाचा जी पीना चाहते हो तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे भी बूढ़ों को नींद नहीं आती। आप तो गांव में रहते हैं ना? हाँ, रिटायरमेंट के बाद एक बंगला बनवा लिया था। इंश्योरेंस का काम करता हूँ, जी लगा रहता है। आलोक को मैंने ही पॉलिसी दिलवाई थी, क्या पता था इतनी जल्दी क्लेम भी दिलवाना पड़ेगा। जैसी हरी की इच्छा। ये लो। अरे तुम तो कॉफी पिला रही थी। हाँ धो गई, अभी तो मना किया था। तुम दोबारा पूछ लेती मैं हाँ कर देता। चलो कोई बात नहीं, कॉफी ड्यू रही। अच्छा चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ वो कमीजों की मरम्मत हो गई हो तो दे दो, सिविलियन कपड़ों की जरा कमी है। अभी लाई। अकेले रहने वालों के लिए यही मुसीबत होती है, कभी कोई बटन टूट जाए या सिलाई उधड़ जाए तो या तो फटे कपड़े पहनो या फिर इधर उधर रिक्वेस्ट करते फिरो। मैं समझता हूँ शादी नहीं की तुमने। जी नहीं, कोई ढंग की लड़की मिली नहीं।
तुम अपनी शॉपिंग कर लो, तब तक मैं पुलिस स्टेशन में तुम्हारे नाम का टंका बजा कर आता हूँ। क्या? अरे भाई, जिस कमीज के टूटे बटन देखकर लोग वहाँ हंसे थे ना, उनको दिखा तो आऊं। अच्छा, आधे घंटे बाद मैं उस सामने वाले कैफे में तुम्हारा इंतजार करूंगा, वहां आ जाना। ओके। देख रहे हो बिट्टू? भगवान को माला क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम उनकी पूजा करते हैं। पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो भगवान है। पापा भी क्या भगवान है? उनको ही माला पहना रखी है। हाँ बेटा, वो भी भगवान है। और ये दिया क्यों जला रखा है? रोशनी के लिए। क्या भगवान अंधेरे में देख नहीं सकते? कभी कभी उजाले में भी नहीं देख पाते, वो निर्मोही हो जाते हैं। निर्मोही मतलब? तुम नहीं समझोगे बेटे, जब बड़े हो जाओगे समझ जाओगे। मम्मी भी यही कहती थी, पर मैं कब होऊंगा बड़ा? बाप का साया सर पर नहीं है ना बेटे, बहुत जल्दी बड़े हो जाओगे। मेरी गाड़ी देख कितनी तेज चलेगी। और मेरी गाड़ी कितनी तेज जाएगी? बहुत तेज जाएगी। और मेरी गाड़ी इधर। बिट्टू बाबू लो दूध पी लो। नहीं पीऊंगा। जा। तो आप इसको आप ही बोलो, रोज रोज ऐसे जिद करता है। ये भी रोज ऐसे जिद करती है, मुझको दूध अच्छा नहीं लगता, फिर भी पीछे पड़ जाती है। बेटा तुझे जल्दी बड़ा होना है ना, तो दूध पी ले। दूध पीऊंगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। हाँ हाँ, रोज पियोगे तो जरूर बड़े हो जाओगे। ला। शाबाश बेटा, मम्मी आएगी तो मैं कहूंगा कि राजा बेटा बहुत समझदार हो गया, रोज दूध पिएगा। मम्मी जोशी अंकल के साथ क्यों जाती है? क्यों बेटा, जोशी अंकल अच्छे नहीं लगते? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पुलिस है। पुलिस में है तो क्या हुआ? पुलिस है तो वो पापा को ढूंढ के क्यों नहीं लाते? बेटे ये काम कोई नहीं कर सकता। मम्मी भी यही कहती थी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। बिट्टू बेटे, अगर जोशी अंकल तुम्हारे पापा बन जाएं तो? जोशी अंकल पापा? नाना जी, पापा तो बने बनाए होते, पापा कोई बनता नहीं है। चाचा जी ने कुछ कहा तो नहीं? क्यों, उन्हें क्या कहना था? मतलब मुझे वहां देखकर उन्हें शक नहीं हुआ कुछ? हुआ भी हो कौन जाने। तुम्हें क्या लगता है, चाचा जी को यह रिश्ता पसंद आएगा? दीपक कुछ और बात करो। क्यों, तुम तो जानती हो मेरी हर बात इसी बात पर आकर खत्म होती है। और तुम भी जानते हो मेरी हर उलझन इसी बात से शुरू होती है। देखो शीला, दुराहे पे खड़े खड़े जिंदगी नहीं करती है। दीपक तुम बहुत अच्छे हो, मेरा बहुत ख्याल रखते हो। आलोक के जाने के बाद तुम्ही ने मुझे संभाला है, एहसान मानती हूं तुम्हारा। लेकिन तुम्हारी तरह जज्बातों को लफ्जों की आड़ में छुपाना नहीं जानता। सिर्फ दो टूक बात है मेरी, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह है या नहीं। अगर कहूंगी नहीं तो बिल्कुल झूठ होगा, लेकिन सच कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। क्यों, डर किस बात का, कौन रोकता है तुम्हें?
बिट्टू। बिट्टू? शीला तुम जानती हो मैं बिट्टू को तुमसे कम प्यार नहीं करता हूँ, उतना ही करता हूँ। वो अभी तक अपने पापा को भूल नहीं पाया। समय सब ठीक कर देगा। फिर समय को पहले सब ठीक कर लेने दो। देखो शीला, मैं कानून का आदमी हूँ, दिल और जिस्म के कानून की अच्छी तरह जानता हूँ। कानून के खिलाफ जाओगी तो जिंदगी तुम्हें सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगी। देखो बेटा, रोज दूध पीना, दूध पियोगे तो बहुत बड़े हो जाओगे। मेरी माँ। कौन? चाचा जी, हमारे घर में काम करती है ना सकू, ये उसका लड़का है संपत। क्या बात है संपत? मेरी माँ है। नहीं, वो तो काम खत्म करके कब की चली गई। अच्छा ये रख, टैक्सी में रख दे। अच्छा चाचा जी, आपकी बार कब आएंगे? बेटा, जी तो नहीं करता जाने के लिए, लेकिन भगवान की इच्छा। आपकी बार आम लेके आना। हाँ, सीजन आने दे, मैं तुझे ले जाऊंगा, वहाँ बहुत सारे आम के पेड़ हैं और पेड़ पर बैठकर आम खाएंगे। पेड़ में तो बंदर रहते हैं। अच्छा अच्छा, बंदर रहते हैं, उतरो यहाँ से और भागो यहाँ से। आप सच्ची मेरी माँ नहीं है? कहाँ ना, चली गई। अच्छा ठहर, ये ले। अच्छा बेटी, अपना ख्याल रखना। बेटी, दीपक के बारे में मैंने जो कहा था उस पर गौर करना। पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने। दीपक अच्छा लड़का है। ऐसे क्या बात है, लेकिन हुआ क्या है? अतः काय सांगू, 5 बरस पहले जेवा इसका बाप मरा, तेवा इसी को कार्जे को लगाकर मैं जीवंत रह ली। तुम ही बोलो भाई, कौन भी भाई अक्का उम्र कैसे अक्टिच रहेगी? तू मंगल की बात कर रही है ना? हाँ भाई। अच्छा, कमाता है, खाता है, काय कमी आए? मेरा ऊपर जीव जागता है, शादी बनाने को मांगता है। पढ़ो संपत, तू क्या हाथ पाँव निकला? मेलिया मेरे को ही दम देता है, बोलता है माजा बाप मरुण गेला, अभी मेरे को दूसरा नक्को। जब भी मंगल मेरे घर में आता है, पिछू पिछू ये मेलिया शनि भी आ जाएगा और खाली पीली में भंकस करता है। अच्छा तुम ही सांगा, मरद के बिना जिंदगी कैसा चलेगी? मेरे को भी दिल है, अक्की उम्र ऐसा कैसे निकालने का? अरे, क्या हुआ? बड़ा मजेदार लग रहा है। क्या? ये पुलिस की वर्दी और माथे पर लंबा से टीका। अरे हंसो मत भाई, ये पूजा का टीका है। वही तो, पुलिस वाले भी पूजा पाठ करते हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। क्यों, पुलिस वाले इंसान नहीं होते हैं क्या? इंसान होने का ये तो कोई सबूत नहीं हुआ कि पूजा पाठ करें। औरों की तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो करता हूं, अपना स्वार्थ जो है। स्वार्थ? हाँ, भगवान से तुम्हें जो मांगना है। तुम्हें ड्यूटी पर नहीं जाना? वहीं से तो आ रहा हूं, रास्ते मंदिर था पूजा की, फिर सोचा आज शाम को फ्री हूं, तुम्हें और बिट्टू को घुमा लो। बिट्टू, 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 बिट्टू,
बेटा बेटा बिट्टू 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 बेटा क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठा है? आजा बाहर आजा। और क्या बात है बेटा? मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ कहाँ नहीं जाएगा? जोशी अंकल के साथ घूमने। तुम्हें जोशी अंकल अच्छे नहीं लगते? आप भी मत जाना। अच्छा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। मेम साहब बैंगन ले लीजिए, बहुत अच्छे हैं। ये क्या है, मरे हुए चूहे सी सब्जी? भाई साहब इसे कहते हैं बैंगन। अबे जा जा, इसमें कोई गुण नहीं होता इसलिए इसे बेगुण कहते हैं। जनाब आली तरकारियों का बादशाह है, इसलिए देखिए इसके सर पर ताज है। क्या मिलॉर्ड, आप ही फैसला कीजिए। अबे पुलिस वाले, मैंने सब्जी को हाथ तक नहीं लगाना। तो मत लगा, छुरी काटे से खा ले। क्यों मिलॉर्ड? अबे तू ये इसकी चमचागिरी क्यों कर रहा है? तू ऐसे बैंगन बना तेरी कर लूंगा। मैं ऐसे बैंगन। मेम साहब, मेम साहब बैंगन दो, बहुत अच्छे हैं। हाँ दे दो आधा किलो। बाय। क्यों बेटा, मैं तेरे साथ नहीं हूँ? तेरी मम्मी तेरे साथ नहीं है? दीपक, दरवाजा खोलो। इस वक्त कैसे? ड्यूटी पर आया हूं। तुम्हारे मोहल्ले में एक केस हो गया, तुम्हारी भाई है ना सक्कू। क्या हुआ उसे? उसके बेटे ने खून कर दिया किसी का। संपत ने? हाँ, किसी मंगल नाम के आदमी का। हाँ, सक्कू उसके साथ अपने घर बसाना चाहती थी। संपत कहाँ है? लॉकअप में, वो खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया खून से सना हुआ चाकू लेकर। कन्फेस भी किया उसने। क्या होगा अब, फांसी होगी उसे?
फांसी तो नहीं होगी लेकिन जिंदगी भर के लिए खून ही कहलाएगा। सिर्फ इसलिए कि वो अपने मरे हुए बाप को भूल ना सका। लगता है तूफान आने वाला, दरवाजा बंद कर देता हूँ। नहीं दीपक, अब ये दरवाजा तुम्हारे जाने के बाद ही बंद होगा। क्या शीला? हाँ दीपक, अब मुझे रास्ता सूझ गया है। दिल और जिस्म के कानून जो भी सजा दे मैं सह लूंगी। सोच समझ कर कह रही हूँ। मतलब ये है कि मैंने रास्ता चुन लिया है। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए ना सही, लेकिन जब तक बिट्टू समझदार नहीं हो जाता मेरे लिए एक ही एक रास्ता है, बस यही। अभी उसे मेरी जरूरत है, अपनी माँ की जरूरत है। मुझे इस वक्त सिर्फ उसके लिए जीना है, सिर्फ उसके लिए।